क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9 चल रहा आपका और चैप्टर 9 है अनुक्रम एवं श्रेणी। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 तो आए हम, किसी समानांतर श्रेणी का युवा पद x है तथा युवा पद y है तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पदों का योग p प्लस q बाई 2 x प्लस y प्लस एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू होगा। ये प्रूव बना है। तो हमें दो कंडीशन दे रखी है, एक तो हमें दे रखा पी वा पद, तो हमने पी वा पद का फॉर्म लगाया ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी और ये वैल्यू पी वा पद की दे रखी एक्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, क्यों वे पद का फॉर्म लगाया ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यों वे पद की वैल्यू दे रखी हमें वाई। समीकरण नंबर दो आ गई, पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा दिया ए, ये पहली समीकरण लिख दी है दूसरी ए में से ए गया जीरो बच गया हाथ में p माइनस वन माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस और d आ गया आपका कॉमन x माइनस वाई आ गया। तो p माइनस क्यू वन से वन कट गया p माइनस क्यू इंटू डी एक्स माइनस वाई, डी की वैल्यू आ गई एक्स माइनस वाई बटे पी माइनस क्यू। तो ये आ गया हमारे d की वैल्यू। अब हमें जो हमने दोनों समीकरण बना रखी उन दोनों समीकरणों को हमने जोड़े, तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ने के बाद a और a दो a p माइनस वन बीच में प्लस क्योंकि जोड़ रहे हैं q माइनस वन और d लिया कॉमन x प्लस वाई। तो यहाँ से दो a इक्वल टू p प्लस q माइनस वन डी एक्स प्लस वाई, ये लाइन चुकी तो है वही इसमें p क्योंकि पास लिखा माइनस वन अलग लिखा, टू ए पी प्लस क्यू माइनस वन तक का यहाँ लिख दिया डी और माइनस का डी अलग कर दिया और टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी जो माइनस का डी दर्ज आके हो गया प्लस का डी। फिर हमने यहाँ से डी की वैल्यू रख दी एक्स माइनस वाई रख दे पी माइनस क्यू। फिर हमने फॉर्मूला लगाया होगा एस पी प्लस क्यू टर्म का टोटल निकालना होगा पी प्लस क्यू अपॉन टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यह इन पदों के योग का फॉर्मूला है, इसमें इनकी जगह पी प्लस क्यू आया। अब इसके बाद में आप पी प्लस क्यू बाई टू को जो लिखेंगे और ये जो अंदर टर्म है ये पूरा ब्रैकेट बना था आपने टू ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू रख देंगे सारी उठा के यार एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन पी माइनस क्यू, क्योंकि सीधा यही आपको प्रूव करना था। दैट्स ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन।